भाई कहाँ पे क्या बनाए ना, क्या वीडियो बनाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा स्टेशन है ना, कंफ्यूज हो रहा है अपन लोग। दो के तरफ से खुलती है, तीन के तरफ से, हाँ सॉरी यार मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये खुलती है और फिर ऊपर की साइड देखो आते के साथ ना मेरे को लग रहा मेट्रो आ गई। देखो और इधर देखो कुछ लोग फोटोज वोटोज, लड़कियाँ भाई फोटोज तो लड़कियाँ लोग लेती ही हैं। देखो भाई भीड़ कितना भीड़ है देख रहे हो। देखो यार 16 नंबर प्लेटफॉर्म में अंदर कितना सारा भीड़ है। 3:52 हो रहा है, 4 बजने को है। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस मैं अभी दिल्ली में हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था, और फिर अभी अपना टूर भी कंप्लीट हो चुका है। लाइक मैं घर में आ चुका हूँ, अपना गोप्रो में वीडियो है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा गाइस, कोई फ़ोन में नहीं जा रहा है, पीसी में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो इसी कारण से आज अपन लोग आप लोग के लिए एक नया सा ब्लॉग लाने वाले। लाइक मैं बिहार में भी था तो आपको रेलवे स्टेशन का ब्लॉग लाता था, और दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का कैसे छोड़ सकता हूँ गाइस। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन कैसा है, प्लेटफॉर्म कितना है, कहाँ से आपको टिकट लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड आपको बताने वाले हैं गाइस। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो अभी तो अपन लोग रास्ते में निकल चुके हैं और मैं अभी रोड पे हूँ। एक नया ब्रिज भी, फ्लाईओवर भी बनी है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। अक्षरधाम में एक नया फ्लाईओवर बना तो उसका भी लाएंगे गाइस। तो अभी पहले आपको रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। तो अभी अपन लोग घर से निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं, तो अभी आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर स्टेशन पे मिलते हैं। देख रहे हो पैदल ही अपन लोग जा रहे हैं। ये सब ना पहले ना यहाँ वाली जो पुल है ना, रोड बहुत ही पतली थी इधर, और वो जो नाला बना हुआ ना वो नाला बिल्कुल भी नहीं था। और उधर की साइड नीचे के साइड देखो, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी ना फ्लाईओवर वाली, उसमें सारा कवर अप करेंगे। तो अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि अपन लोग ऊपर से जाने वाले थे, वो वाली सामने दिख रहा है रोड क्रॉसिंग, उससे जाने वाले थे, लेकिन सोचे यार चलो नीचे से ही आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा कुछ मस्त वाला अपडेट दिखाएंगे। सो भाई अभी अपन लोग वो सामने दिख रहा है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, अपन लोग वहीं से जाने वाले हैं। पहले अपने को यहाँ से राजीव चौक जानी पड़ेगी, राजीव चौक से अपने को मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, समयपुर बादली वाली पे बैठेंगे। जस्ट नेक्स्ट स्टॉपेज ना अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ही होगा। तो चलो डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन में जाते और फिर वहाँ से डायरेक्ट आपको मिलते हैं। डायरेक्ट नहीं, मेट्रो का भी कुछ आपको वीडियो दिखाएंगे क्योंकि इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ चलता है, ऑफिशियल टाइम है ना इसी कारण से। सो भाई अभी तो अपन लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। लाइक थोड़ा सा शर्माहट आती है यार, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में वीडियो बनाना मतलब समझ रहे हो ना, प्लस और भी कुछ प्रॉब्लम होती है गाइस जो कि आप लोग समझ सकते हो। जो भी न्यू यूट्यूबर होंगे ना वही जानते होंगे, पुराने वाले तो भाई उनका तो बैक पेस मजबूत होता है, प्लस उनको एक्सपीरियंस होता है, अपने पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, बट फिर भी यार आप लोग के लिए तो जान भी हाजिर है। तो चलो डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं आपसे। फाइनली भाई ये देखो अपना सीढ़ी पे जा रहे हैं चढ़ के, इधर नीचे की साइड टोकन अपन लोग वहाँ पे सटाए थे, फिर ऊपर आ रहे हैं। ये अपना मेट्रो कार्ड देख रहे हो। तो अभी अपन लोग यहाँ से मेट्रो स्टेशन आ चुके अक्षरधाम, और फिर ऊपर की साइड देखो आते के साथ ना मेरे को लग रहा मेट्रो आ गई। देखो तो ये तो खुल गई यार, मेरे को लगा अभी आई है लेकिन ये मेट्रो खुल चुकी है देख लो। और कुछ लोग तो यहाँ पे वीडियो भी बनाते रहते हैं यार। तो ये अपना अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है, और अभी यहाँ से निकलते कुछ ही पल में जब मेट्रो आएगी तब। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं, मेट्रो कब आएगी उसके बाद जाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, अभी 5 मिनट के अंदर आ जाती है मेट्रो, बट 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट और वेट करते हैं और आएगी, उसके बाद अपन लोग निकलेंगे मेट्रो से ही। देख रहे हो अपना मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम का, और इधर देखो कुछ लोग फोटोज वोटोज, लड़कियाँ भाई फोटोज तो लड़कियाँ लोग लेती ही हैं, ये तो दिखता भी है भाई हमेशा, हर एक अलग अलग सा पोज आती है भाई, मतलब जैसा जैसा पोज देखोगे ना अलग अलग सा चेंज होता जाएगा। देख रहे हो कितना क्लीन होता है मेट्रो स्टेशन, बिहार में भी बन रहा है तो ऐसा ही क्लीन होना चाहिए यार, मेट्रो देख लो कितना क्लीन है। भाई अपना मेट्रो स्टेशन से निकल गए, इधर से एग्जिट किए हैं, और ये अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो अंदर पे वीडियो बनाने का अलाउ नहीं था यार, मेट्रो स्टेशन पे वीडियो नहीं बनाना ऐसा गार्ड ने बोला मेरे को, और बनाना भी नहीं चाहिए भाई, जब कोई बोल देना तो बनाओ मत, वही सही होता है। तो अभी पहले ना तो अपन लोग मेट्रो स्टेशन का वीडियो नहीं बनाया भाई, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सही है क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार, मेरे को पता नहीं, बट चलो वीडियो तो स्टेशन मेट्रो स्टेशन का नहीं बना, अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं सारा कुछ।
सो अभी आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और देखो अभी आगे की साइड जाएंगे ना तो वहाँ पे भीड़ दिख रहा है, कितना भयानक वाला भीड़ है। वहाँ से अपने को एक प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म टिकट का ना अंदर मत जाओ यार, नहीं तो फाइन वाइन लगेगी ना, तो 500 से नीचे का तो फाइन ही लगेगा। तो इसीलिए 10 रुपये का एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लो, बच जाओगे, वरना 500 रुपये दे दो पॉकेट से निकाल के। तो इसीलिए हम लोग पहले चलते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। देख रहे हो भीड़, देख रहे हो कितना भीड़ है भाई। ये है न्यू दिल्ली भाई, ये देख रहे हो, इसको जंक्शन बोलते हैं ना भाई। बिहार में ऐसा स्टेशन है क्या? पटना जंक्शन भी इतना नहीं होगा, इतना हेवी वाला, बट फिर भी यार हो जाएगा यार, अपना बिहार है, बदलता बिहार, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे भी। सो गाइस देखो, एक इधर से भी एंट्री है यहाँ से, और एक यहाँ से एंट्री, और फिर एक और आगे की साइड से एंट्री, और फिर यहाँ पे देखो पानी सर्व कर रहे हैं पंजाबी लोग। तो ये लोग ज़्यादातर ना सारे लोगों को खिलाते विलाते हैं, जो भी होता है ना इन लोग का वो करते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं यार। कुछ ज़्यादा गर्मी है ना, इसी कारण से पानी पिला रहे सरबत ये सब। और देखो एक यहाँ से एंट्री है, एक वहाँ से अपनी टिकट मिलती है जहाँ से एंट्री है, मतलब 4-5 जगह से यहाँ पे एंट्री दे रखा है, काफ़ी इजी कर चुका है। प्लस ये कौन से नेवी वाले हैं क्या, और वो अपना मेट्रो स्टेशन से भी एक एंट्री है। देख रहे हो इधर कितना जाम हो चुकी है यार, मतलब इतना धूप में भी इतना जाम। अभी थोड़ी सी धूप छिपी है लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और जाम देखो यार कितना भयानक वाला जाम है। तो एक वहाँ से एंट्री है, तो फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से प्लेटफॉर्म टिकट के पास, और फिर टिकट लेते हैं और फिर एंट्री लेते हैं अपन लोग, क्योंकि 4-5 एंट्री है ना, बट अपने को मेन एंट्री लेनी है तो वहीं से एंट्री लेंगे अपन लोग। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भाई और भी कोई लैंग्वेज लिख देते हैं यार, मतलब क्या ही मतलब बात है यार, हिंदी में ही लिखो ना, मेरे को तो मानना यार हिंदी है हिंदी ही लिखो, बट हाँ कुछ लोग बाहर जाते हैं ना तो उनके लिए इंग्लिश सही है, बट उर्दू क्या है यार मेरे को पता नहीं, बट चलो कोई ना यार, लिख दियो तो मेरे को कोई हर्ज नहीं है, बट फिर भी देखो भाई भीड़ कितना भीड़ है, देख रहे हो सामने की साइड प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है और उस तरफ पूछताछ है, इंक्वायरी रूम, और ये सामने की साइड प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है। तो अभी चलते हैं जल्दी से प्लेटफॉर्म टिकट पहले लेते हैं, ये देख रहे हो सामने की साइड। फाइनली भाई ये अपना प्लेटफॉर्म टिकट है, देख रहे हो एक पैसेंजर, एक घंटे का वैलिड होता है प्लेटफॉर्म टिकट, और फिर यहाँ पे चेकिंग होती है। आज भीड़ देखो यार कितना भयानक भीड़ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। टोटल 16 प्लेटफॉर्म है, ये देखो इस 16वां नंबर पे हम लोग हैं अभी, एक नंबर उधर बहुत भयानक है जिसको अजमेरी कश्मीरी गेट बोलते हैं, और फिर ये अजमेरी गेट है। नीचे की साइड देख रहे हो क्या भयानक वाला लग रहा है सीन यार, देखो टोटल उधर का देखो लोकेशन गाइस, भीड़ बहुत ही भयानक होता है यार यहाँ पे। एक तो जाओ ना फोन कौन लेके चला जाएगा, कोई अतः पता नहीं है, यहाँ पे चोरी ज्यादा होती है। तो ये देखो भाई टोटल देख रहे हो भीड़ कितना भयानक है। इतना बड़ा स्टेशन है ना यार, इतना बड़ा है ना क्या बना यार, अगर बनाएंगे ना फुल डिटेल्ड में तो नहीं भी तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो अपन लोग शॉर्टकट में निपटाते हैं, आपको कुछ कुछ मेन प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दिखाते हैं, और फिर समझ रहे हो ना, तो चलो अभी आपको दिखाते हैं। अपन लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और फिर ये प्लेटफॉर्म संख्या कितना है मेरे को पता नहीं है, देख रहे हो, बट ये कौन सा ट्रेन है ये भी नहीं पता। सो ये देखो ये प्लेटफॉर्म खाली, लाइक इधर कोई ट्रेन आने वाली है, और फिर B11 यहाँ पे सीट है, और फिर यहाँ पे काम करते हैं, और ये फिर कौन सा ट्रेन है ना ये मेरे को नहीं पता। और फिर यहाँ का भीड़ देखो ना यार, तो मतलब भीड़ से ही तुम दम तोड़ दोगे यार, इतना भीड़ होता है यहाँ पे, तो सोचो यार मतलब क्या ही बोल सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोल सकते। ये तो अभी लगता है 10 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग, अभी चलते एक नंबर की साइड चलते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा भीड़ होता है एक नंबर पे, इससे अपन लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लास्ट 6-7 होता है, और 1 से 5 तक जाने के लिए अपने को इस तरफ जाना पड़ेगा, देख लो इधर से फिर उधर जाना पड़ेगा, देख लो यार कितना भयानक होता है इधर का भीड़। अरे यार कुछ नया नया ट्रेन लग रहा है, वो लास्ट वाली ट्रेन देख रहे हो एकदम न्यू लग रही है, वो देखो लास्ट वाली ट्रेन न्यू लग रही है ना, और अपने को उस साइड जानी है, यहाँ से सामने एकदम जाओगे ना फिर अपने को लेफ्ट टर्न होनी है। देख रहे हो इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि छांव लेने के लिए लोग देखो बीच में सारा गर्मी कारण खाली है, और इधर छांव ले रहे हैं सारे लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो इतना सारा गर्मी में तो किसी को भी सेफ होना है ना, तो इसीलिए सारे लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे छांव मिलेगी ना, वहीं पे जाते हैं लोग। और ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो, और फिर ये अपना 2 है, तो या 3 है, मे भी अप्रोक्स 3 होगा, मान लो 3 होगा, शायद 2 है, ये वो वाली 1 है तो ये 2 है, और फिर ये 3 है,
तो ऐसा इधर का, और फिर ये यहाँ का लास्ट है इधर से, देख रहे हो न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। ये कौन सी ट्रेन है यार मेरे को बताओ, मतलब ये सिर्फ बोगी यहाँ पे लगा हुआ है, इसका बर्थ जो भी है ना वही सिर्फ लगा हुआ है, इंजन यहाँ का नहीं है, वो वाली इंजन है। और इधर से कोई एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, आवाज आ रही है, वो देखो लगी हुई है ना वाली ट्रेन, वही वाली। भाई धूप इतना हेवी है ना कि पूछो ही मत, कितना भयानक वाला धूप है इधर। पटरी देख रहे हो भाई, मतलब अपना बिहार शरीफ का स्टेशन ना ये चार पटरी में खत्म हो जाएगी, चार पांच पटरी में अपना बिहार शरीफ का रेलवे स्टेशन खत्म, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा ना यहाँ पे कितना सारा है जोड़ लो तो बिहार शरीफ का चार पांच स्टेशन मिल जाएगा, तब दिल्ली का एक बनेगा, ऐसा मतलब बिहार शरीफ का बोल रहा है भाई। पटना जंक्शन और भी भयानक है, कभी उसका भी वीडियो लाएंगे, उसके लिए टेंशन ना लेना गाइस आप लोग। देखो भाई कौन सी ट्रेन लगी है, रांची राजधानी एक्सप्रेस, भाई इतना ज्यादा धुआं निकालती है ना इससे यार। ये रांची राजधानी एक्सप्रेस है, ये रांची की ओर जाएगी और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के तरफ से खुलती है, 3 के तरफ से, सॉरी यार मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये खुलती है और ये 14 है, 15 और 16 उधर होगा, तो इधर से ही खुलती है और फिर ये 15 नंबर है, सॉरी ये 15 नंबर है, ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। और आगे इस साइड जाओगे ना वॉश होता है ना, ट्रेन वॉश होती है ना वही वाली उधर है, तो आगे साइड ट्रेन वॉश होती है और फिर इंजन इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा ना कि भाई मतलब पूछो ही मत, बहुत ही यार है। तो अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं और फिर आपको डायरेक्ट 16 नंबर पे मिलते हैं, वहाँ का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं आपको गाइस। ट्रेन गई, एक ट्रेन और आके लग गई, भाई यहाँ का प्लेटफॉर्म इतना बिजी है ना कि थोड़ा सा भी शांत नहीं होता, एक ट्रेन जाती है दूसरी ट्रेन आके लग जाती है, फिर वो खुलेगी और प्लेटफॉर्म गिन लो यार कितना लंबा है, देख रहे हो वहाँ तक रेलवे स्टेशन ही है अपना, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ही इतना बड़ा है, देख रहे हो उधर से भी लोग बहुत सारे लोग चलते जाते हैं, प्लस यहाँ पर तो भाई मतलब प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं लोग और फिर यहाँ पे आके सो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे ही, तो ये देख लो यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है और फिर यहाँ पे भीड़ देखो यार, यहीं से शाम में 5 बजे संपूर्ण क्रांति खुलती है 16 नंबर से ही, और ये श्री माता वैष्णो देवी वाली ट्रेन है कटरा वाली, तो यहाँ से संपूर्ण क्रांति बिहार पटना के लिए खुलती है शाम में 5-5:30 बजे के आसपास, और फिर ये देखो इधर का एरिया 16 नंबर प्लेटफॉर्म में, ये इधर खुला सा प्लस सामने की साइड डीलक्स वॉशरूम है, शौचालय है, और सामने की साइड KFC, इसमें अपन लोग खाने पीने के लिए जो भी जिसको भी खाने पीने का होता है ना इसमें जाता है, प्लस और भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, मतलब क्या ही बोल सकते भाई आपको। और इधर से एग्जिट होगा तो अपन लोग ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे और सामने की साइड मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल ही सामने, देखो यार 16 नंबर प्लेटफॉर्म में अंदर कितना सारा भीड़ है, 3:52 हो रहा है, 4 बजने को है और इधर का भीड़ देखो यार कितना भयानक है। और फिर ये माँ वैष्णो कटरा वाली ट्रेन है न्यू दिल्ली से खुलेगी और इसके जस्ट बाद आएगी पटना वाली जो कि संपूर्ण क्रांति होगी, देख रहे हो कितना भीड़ है, सारे लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, गर्मियाँ से बच रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा गर्मी है इधर, धूप है वाला धूप का तो पूछो ही मत, इतना भयानक वाला धूप है ना कि बता ही नहीं सकते। ये देखो इधर सारा खाने पीने वाला प्लस उधर से मेन एंट्री है, वो देख रहे हो उधर से मेन एंट्री है प्लस आगे के साइड से एक और एंट्री है, इधर से बैग वैग चेक होता है फिर एंट्री होता है, प्लस इधर ही अपना रेस्ट रूम ये सब है, जो भी टिकट जिनके पास होती है ना AC स्लीपर ये सब सारे लोग का वेटिंग हॉल इधर ही है, इधर से एग्जिट होता है निकास होता है, प्लस बहुत सारा भीड़ है यार बहुत ही ज़्यादा, तो अपन लोग जल्दी से यहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं गाइस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है प्लस गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। भाई देख रहे हो लगता है 1 किलोमीटर तो लंबा अपने को चलने वाला बना हुआ है, 1 किलोमीटर चलते जाओ, प्लस यहाँ गाड़ी का भी सुविधा है ये प्लेटफॉर्म पे, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ी का भी सुविधा है, जिनको जो भी दिव्यांग लोग होते हैं ना प्लस जो भी बूढ़े जाते होते हैं ना प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए गाड़ी का भी इंतजाम है, प्लस इधर सामान वान तो वही सारे लोग लेके जाते हैं सारा कुछ, और ये लंबा में भी ना 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ऐसा लग रहा है, मैं कब से चला जा रहा हूँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा इतना लंबा प्लेटफॉर्म है ये। ये देखो ये भी खुल चुकी है, अब यहाँ पे संपूर्ण क्रांति आएगी, भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ इसीलिए ऐसा वाला पे बैठ चुका हूँ, देख रहे हो पाँव में इसमें दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे उंगली में अंदर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा, और फिर ये ट्रेन खुल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मेरा पैर में दर्द हो रहा बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा चले ना कि सूज के अंदर एक लास्ट वाली फिंगर होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लग रहा है अंदर से कट चुका है छिल चुका है ऐसा हो चुका है, तो अभी तो खोल के देखे नहीं है, खोल के देखते हैं उसके बाद क्या होता है, मतलब कटा ही लग रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है अंदर से बहुत ही ज़्यादा, बट देखते हैं क्या होता है फिंगर में, फिलहाल तो देख लेते हैं अगर फिर चलने लायक रहा तो और भी चलेंगे, वरना क्या ही कर सकते भाई क्योंकि यार इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि भाई कितना भी घूम रहा है ना खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा है।
भाई कहाँ पे क्या बनाया ना, क्या वीडियो बनाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा स्टेशन है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं अपन लोग। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना आपको कौन कौन सा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन का पार्ट वाली वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गाइज। अगर फुल डिटेल्ड करेंगे ना तो 3-4 घंटे चले जाएंगे, 2-3 घंटे तो आराम से चले जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ही वीडियो को इतना ही तक रखूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कौन कौन सी पार्ट वाली वीडियो चाहिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो आप लोग के लिए स्पेशल वाली वो वाली वीडियो लाएंगे। सो सोच रहे हैं यहाँ वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो जय श्री राम गाइज, बाय बाय।